अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो ऑफ बात पेट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बजीज के बॉन्डेड पेयर लगाने के बारे में। बॉन्डेड पेयर क्या होता है, किसे कहते हैं, पेयर कैसा लगाना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मेरे किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है गाइस, व्हाट इज़ अ बॉन्डेड पेयर। देखिए, बॉन्डेड पेयर वो होता है जो एकदम पेयर से ऊपर की जो लेवल आप कह सकते हैं वो होता है बॉन्डेड पेयर। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि अगर कभी आपका एक बॉन्डेड पेयर है, ठीक है, उसका मेल अगर केज के बाहर हो जाए, वहाँ से अगर जाली हो या दरवाज़ा खुला हो, बाहर निकलने की जगह होगी भी, तो वो मेल बाहर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी फीमेल जो है वो केज के अंदर है, ठीक है। तो वो जो है वो बॉन्डेड पेयर लग जाता है। वो ऐसा पेयर होता है जो कभी नहीं हटने वाला, बिल्कुल मतलब 99 में से 0.1% चांसेस है कि वो पेयर हट जाए, वरना बिल्कुल भी कहीं से चांसेस नहीं है कि आपका जो बॉन्डेड पेयर है वो कभी भी हट जाए, कभी नहीं होता, ठीक है। ये तो बात हो गई बॉन्डेड पेयर क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं हाउ टू बॉन्डेड पेयर। देखिए, बॉन्डेड पेयर लगाने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका जो है ना, कॉलोनी से अच्छा मैंने आज तक जो एक्सपीरियंस करा है उस हिसाब से बताऊँ, कॉलोनी से अच्छा कोई भी बॉन्डेड पेयर नहीं लगता। सेपरेट में जब भी पेयर लगते हैं सब सिर्फ नॉर्मल पेयर लगते हैं, बॉन्डेड पेयर मैंने आज तक लगते हुए नहीं देखा सेपरेट में। हाँ, हो सकता है लगा हुआ लोगों के यहाँ, बट मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। बॉन्डेड पेयर के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी कॉलोनी बना लेनी है। फॉर एग्जांपल 3x2 की कॉलोनी आपने केज बना ली छोटा सा, उसमें आपने 5 पेयर छोड़ देने, अपने आप ही जितने भी पेयर लगेंगे इंशाल्लाह सब बॉन्डेड पेयर ही होंगे आपके। मेरे भी एक दो बॉन्डेड पेयर लग गए थे मेल फीमेल के, बट मैंने जो है फीमेल फीमेल समझ के मैंने इतनी कोशिश करी ना, मैं आपको बताऊँ 3-4 महीने तक मैंने अलग रखा, मैंने क्या क्या नहीं करा कि भाई पेयर हट जाए। मैं सोचा था फीमेल फीमेल है जबकि मेल फीमेल थे वो कन्फर्म, बट हुआ क्या था, कॉलोनी में रह रहे कि उसका बॉन्डेड पेयर लग चुका था, इस वजह से फिर उसका जो पेयर है वो नहीं हटा। मैंने 3 से 4 महीने के आसपास समथिंग मेहनत करी पेयर हटाने की, बट नहीं हटा। तो ये जो था बॉन्डेड पेयर लग चुका था कॉलोनी में, ठीक है। बात करें एज मेल फीमेल की, आपको देखनी चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मेल फीमेल की एज जो है वो अपनी 4 महीने से 6 महीने के बीच होगी तो बहुत जल्दी चांसेस है लग तो अगर वैसे भी जाएगा बॉन्डेड पेयर, बट जितनी एज कम होगी उतना ज़्यादा जल्दी लगेगा और अच्छा पेयर लगेगा। बॉन्डेड पेयर के लिए क्या है, आपको चाहिए कि अच्छी एज एंड मेल फीमेल कंफर्म, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं मेल फीमेल कैसे कंफर्म करें, हम 2 महीने के चिक्स में या 1 महीने के चिक्स में, उसके ऊपर मैं अलग इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बनाएंगे उस पर वीडियो, ठीक है। तो अभी हमने गाइस तीनों टॉपिक के बारे में बात कर ली, बॉन्डेड पेयर क्या होता है, बॉन्डेड पेयर कैसे बनाना है, मेल फीमेल होना चाहिए, एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो भी बता दी मैंने आपको, 4 से 6 महीने, हो सके 2 से 6 महीने के बीच की होनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया। अब बहुत सारे लोग क्या होता है अफोर्ड नहीं कर पाते कॉलोनी छोटी बड़ी जो भी है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ उस चक्कर में वो नहीं कर पाते हैं कभी भी, बट अगर आप चाहें सेपरेट करना तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट सेपरेट में भी चांसेस हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि चांसेस नहीं है, बट चांसेस हैं, बट आई थिंक 5% 100 out of 5% तक, ये नहीं कह रहा कन्फर्म 5%, बट 5% तक चांसेस हैं कि आपका पेयर बॉन्डेड पेयर लग जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने इतना सब कुछ कर लिया, आप पेयर ले आए मेल फीमेल कन्फर्म 4 महीने की एज, ठीक है, उसके बाद आपने जो है कॉलोनी में या केज में शिफ्ट कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ प्राइवेसी देनी है। प्राइवेसी देने के बाद बस कम से कम आपको 1 हफ्ते के अंदर कॉलोनी अगर अच्छी है, आपके पास पेयर ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा पेयर जब होते हैं ना तो पेयर जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि मेल फीमेल जब ज़्यादा होते हैं, जब आप कॉलोनी में छोड़ते हैं ना तो ब्रीडिंग के लिए अलग की टाइप की फाइट चल रही होती है कि पहले कौन ब्रीड करेगा, इस टाइप के जल्दी जल्दी पेयर लग जाते हैं कॉलोनी में। केजेस में क्या है, वो लोग खुद ज़्यादा अकेला फील करते हैं, अलोन फील करते हैं, इस वजह से उनका पेयर धीरे धीरे लगता है, फिर धीरे धीरे ब्रीडिंग चालू होती है, बट कॉलोनी में जो है जल्दी ब्रीडिंग चालू हो जाती है। अगर आपको जानते हैं कॉलोनी के और भी फ़ायदे, तो आप मेरी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर बेनिफिट्स ऑफ कॉलोनी करके, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है।
आपको अच्छा प्राइवेसी कैसे देना है उस पर इंशाल्लाह अलग वीडियो आईडी, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस 5 पेड़ लगे कॉलोनी में या केज में छोड़ देना है। उसके बाद आपको कम से कम उन्हें देखना है, आपको सिर्फ दाना पानी डालना है एंड वहाँ चले जाना है। हो सके तो आप सुबह के टाइम में, अगर आप चाहते हैं अपने बर्ड्स को देखना ही कैसे हैं, देखना भी ज़रूरी होता है, वो हद से ज़्यादा अगर आप बैठ जाएँ या हद से ज़्यादा परेशान करें तो दिक्कत हो जाती है फिर, है ना। सुबह के टाइम में आप 7-8 बजे के आसपास आप 1-2 घंटे बैठ सकते हैं अपने बर्ड्स के साथ, ठीक है, प्राइवेसी भी दे दी। अब एक बार अगर आपका पेयर जो है सेट हो जाता है तो फिर बहुत सारे लोगों ना एक कंफर्म जो रहता है, जैसे कि कोई है ना ब्रीडिंग पेयर बेच रहे हैं बॉन्डेड पेयर, ठीक है, तो आप जैसे किसी को पेयर चाहिए, ब्रीडिंग पेयर कोई बेच रहा है बॉन्डेड ब्रीडिंग पेयर या ब्रीडिंग पेयर कोई बेच रहा है, ठीक है, अब बहुत सारे लोग का कंफर्म हो जाते हैं कि भाई अब ये ब्रीडिंग पेयर बेच तो रहा है बट अगर वो सेट नहीं हुआ मेरे घर पे आ गया, अगर उसने ब्रीड नहीं करी तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। जो बॉन्डेड पेयर होता है या जो पेयर सेट हो जाता है किसी एक जगह से या किसी एक जो बंदर होता है, जैसे कि जो ब्रीडर होता है उसके देख देख के, उसको देख देख के वो जो है सेट हो जाता है, उसके बाद आप उसको कहीं भी भेजते उस 2 मिनट के, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल सही हो जाता है। 1 महीने का टाइम तो रहता है बट बॉन्डेड पेयर में यह बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत जल्दी पेयर लग जाता है। वो पेयर जो लगता है वो ऐसा पेयर होता है वो कभी नहीं हटता, मुश्किल से बहुत कम चाहता था कि वो हट जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।